कसरावत तहसील की निमरानी कृषि मंडी में मंगलवार को सुबह 11 बजे किसानों ने फसल नीलामी को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों ने बताया कि फसल का उचित दाम नहीं दिया जा रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि निमरानी कृषि उपज मंडी में गेहूं की नीलामी में सिर्फ 4-5 व्यापारी ही फसल की नीलामी करने के लिए आते हैं, जबकि 11 व्यापारियों का निमरानी कृषि उपज मंडी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो बाकी के 7 व्यापारी फसलों की नीलामी करने के लिए क्यों नहीं आते हैं। वहीं किसानों का यह कहना है कि धामनोत मंडी भाव 2403 रुपए में नीलामी हुई है, तो यहाँ पर कम मूल्य क्यों दिया जा रहा है। किसानों ने बताया कि यहाँ पर कम मूल्य में नीलामी की जा रही है, जब तक हमें हमारे फसल की कीमत नहीं मिलेगी तब तक नीलामी नहीं होने देंगे और साथ ही भूख हड़ताल भी करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचकर मंडी सचिव ने किसानों को समझाइश देते हुए फसल की नीलामी शुरू करवाई गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। आज ये मंडी बंद करवा दी गई है, क्या कह लो आप लोगों को, हंगामा है, किस बात को लेके हुआ है? कल भैया जी मंडी 2405 बिकी, किसान समझे कि रेट बढ़ गए, चलो भर के ले चले, तो जैसे किसान लाए इन्होंने 2200 2150 की खरीदी करी। धामनोद मंडी आज 2403 रुपये बिकी आज तारीख में, और किसानों ने सोचा कि यार ये रेट काफ़ी गिर गए, हमको देना नहीं है, हम शांतिपूर्वक हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यहीं बैठेंगे। और यहाँ पे टोटल लाइसेंस वाले 11 व्यापारी है, जिसमें से 3 खरीदते हैं। ये मंडी वाले जानबूझकर, मतलब उनसे या साजबूझ या जो भी बोलो, जैसे आज तीनों ने खरीदी, फिर 8 दिन बाद दूसरे 3 खरीदेंगे, इस टाइप की यहाँ पे खरीदी होती है। अगर अभी बोली नहीं चालू प्रारंभ की गई तो आप क्या कदम उठाएंगे? भूख हड़ताल करेंगे ना, हम सभी किसान यहाँ पे बैठेंगे, धरना देंगे यहाँ पे। हमें उचित मूल्य, मंडी सचिव का ये कहना, मेरी चर्चा हुई थी, बोले सब दूर रेट यही है, डाउन हो गए, तो मैंने कहा एक रोज में कभी भी अनाज में 10-15 रुपए गिरते हैं, 2-2 रुपए नहीं गिरते, 200 रुपए नहीं गिरते, 10-15 रुपए गिरते हैं। आपका नाम? मैं रमेश यादव, ठीकरी से। कितने वाहन आए आज यहाँ पे? वाहन करीब 150 होना चाहिए लगभग। हाँ, यहाँ पे आज 60-70 वाहनों की आवक थी, कल यहाँ पे 2275 से लेकर 2300-2350 रुपये तक के भाव पे गेहूं बिका था। आज भाव यहाँ के 2200 से लेकर 2250 रुपये तक के भाव यहाँ लगाया जा रहा है। इस बात को लेकर किसानों में असंतोष था, और उसके बाद में क्या है कि नीलामी भाव के विरोध में किसानों ने नीलामी थोड़ी देर के लिए रुकवा दी थी, अभी आके उनको समझा दिया गया है और नीलामी चालू करवा रहा हूँ। सर, किसानों का आरोप है कि करीब 11 व्यापारियों को लाइसेंस उन लाइसेंसों, जो व्यापारी आज नीलामी में उपस्थित नहीं हुए हैं, उन व्यापारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? हरेंद्र सिंह सिकरवा, सचिव, प्रभारी सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।